आप सबने आने की तकलीफ क्यों की? बुला लिया होता मैं स्वयं आ जाता। बैठिए बैठिए। संभल कर। हमारे देश की आजादी और भलाई के लिए हमारे पूर्वजों ने क्या क्या नहीं किया, इसीलिए हम अपने राज्य की भलाई के लिए इतनी दूर से चल के यहाँ तक आए हैं आपसे मिलने के लिए। देखिए गौड़ा जी, एक इज्जतदार घर में एक इज्जतदार संतान पैदा होता है, उसी तरह देशभक्त के घर में ही देशभक्त पैदा होता है। आपका गणेश जितना आपके लिए खास है उतना ही हमारे राज्य के लिए और हमें खास है। इस राज्य का गृह मंत्री आपसे गुजारिश करता है, गणेश जैसे जांबाज पुलिस ऑफिसर को यहाँ बुलाइए, इस राज्य को उसकी जरूरत है। गणेश को आप जितनी जल्दी भेजेंगे हमारी जनता के लिए उतना ही अच्छा होगा। उसने IPS का एग्जाम दिया ही है जनता की सेवा के लिए। आपकी बात मैं कैसे टाल सकता हूँ, उसे जरूर भेजूंगा, लेकिन उससे पहले मेरी कुछ शर्तें हैं। बताइए गौड़ा जी। जब हमारा देश आजाद हुआ था तब गांधी जी ने कहा था कि अब हमारे देश में रामराज्य आएगा, जनता ने मान भी लिया था, लेकिन उनकी बात गलत साबित हो रही है। आज जिधर देखो गुंडा राज, धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार का ही बोलबाला है। सच्चे नेता, न्याय और इंसानियत कहीं नजर ही नहीं आते। इन्हीं परिस्थितियों को देखकर मैंने अपने पोते को देश की सेवा कर सके इसलिए IPS बनाया। हमारे परिवार को सरकारी वेतन की कोई जरूरत नहीं है। आप सबको मुझसे वादा करना होगा कि गणेश के काम में कोई दखलंदाजी नहीं करेगा, वो अपने काम को पूरी आजादी और अपने तरीके से करेगा। अगर यह शर्त मंजूर है तो मैं उसे आपके पास भेज सकता हूँ। बिल्कुल गौड़ा जी, आपसे हम वादा करते हैं कोई ये कौन है? जानता हूँ सर, इन्होंने हमें फिल्मों में देखा है, बहुत फेमस एक्टर हैं। फिल्म देखने के बाद भी कहानी तुम लोगों के समझ में नहीं आई तो अब बताओ तुम लोग के साथ क्या करूं? आज आखिरी बार समझा रहा हूँ, अब भी सुधर जाओ। कल जब तुम लोग मरोगे तो तुम लोगों का स्टैचू किसी ग्राउंड में या किसी पार्क में लगा होना चाहिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मिसाल होना चाहिए। ऐसा कुछ काम करो, अगर नहीं सुधरे तो गए काम से। बार बार बेवकूफों को समझाने के लिए गणेश के पास टाइम नहीं है। कमिटमेंट में मैं सेंटिमेंट नहीं देखता हूँ, वैसे तो मेरे नाम से ही तुम जैसों के पसीने छूट जाते हैं। सर, मारने से पहले हमें यह बात समझानी चाहिए थी ना। मैंने भी यही सोचा था, लेकिन बता क्या करूँ, तुम लोग लातों के भूत हो, बातों से कभी नहीं मानोगे। फिर भी नेक्स्ट टाइम ट्राई करूंगा। ऑफिसर्स, मेरी डिक्शनरी में डर, खतरा या प्रॉब्लम नाम का कोई शब्द नहीं है। तुम सबको बनना होगा मेरे जैसा। तुम ये कैसे करोगे, क्या करोगे मुझे नहीं पता, लेकिन पब्लिक को तुम्हारी सर्विस इमीडिएटली मिलनी चाहिए। जब कोई भी व्यक्ति अपनी जान बचाने के लिए आपके पास आता है तब ये मत देखिए कि उसने पुलिस कंप्लेंट की है या नहीं, सबसे पहले उसकी जान बचाइए, यही आपका फर्ज है। अगर कोई रोड एक्सीडेंट हो या फिर कोई इमरजेंसी केस हो, आप लोगों को हमेशा तैयार रहना चाहिए। हमारा फोन बंद है, खराब है, ऐसी बहानेबाजी नहीं चलेगी। फोन आने के 15 मिनट के अंदर एम्बुलेंस घटना स्थल पर पहुंच जानी चाहिए। जिंदगी देता है ऊपर वाला, लेकिन उसकी हिफाजत करना हमारा कर्तव्य है। आप लोग जो ठेला खींचकर अपनी जिंदगी चलाते हैं उन्हें आज के बाद किसी को भी 10, 20 या 50 रुपए रिश्वत देने की जरूरत नहीं है। कॉर्पोरेटर्स, आपके एरिया में जितने ठेले हैं उसे कॉर्पोरेशन में रजिस्टर कीजिए। हर महीना ये कितना देंगे वो फिक्स कीजिए, तभी ये लोग सुकून से जी सकेंगे। इससे करप्शन भी कम हो जाएगा और सरकार का इनकम भी बढ़ जाएगा। हर एक स्कूल, कॉलेज और जहां लड़कियां काम करती है, चाहे वो प्राइवेट जगह हो या गवर्नमेंट जगह हो, सब जगह सिक्योरिटी का बंदोबस्त है या नहीं ये चेक करो। मैनेजमेंट से कहो कि वो रिपोर्ट देते रहें। अगर किसी ने कुछ कहा या पूछा तो कहो कि ये गणेश का ऑर्डर है और ये कंपल्सरी है। ये फाइल किसने दी मुझे? मैंने दिया सर। सर सर, गुड मॉर्निंग सर, सल्यूट सर, सॉरी सर लेट हो गया सर, ये लीजिए। तुम
तुम मतलब मेरा नाम है बाहुबली, आपके लिए, सिर्फ आपके लिए पर्सनली अपॉइंट किया गया सर, पीए पर्सनल असिस्टेंट, आपको हेल्प करने के लिए है। सुइट लीजिए सर। लेट आए हो इसके लिए? नहीं सर, लास्ट वीक मेरी शादी हुई थी, आज ही हनीमून से लौटा हूँ इसी खुशी में। सर इतना ही क्यों, और लीजिए ना। और किस लिए? एब्सेंट होता रहता हूँ ना सर, इसीलिए सर। किसकी गारंटी पर? अपनी गारंटी पर सर, मुझे एक लड़का पैदा करना है इसी गारंटी पर सर, उसे लिखा पढ़ा के एक अच्छा डॉक्टर बनाना है सर, उसकी सेल्फ गारंटी पर। ये बताओ तुम हो तो तीन फुटिया, तुम्हें ये काम किसने दिया? रिश्वत देना पड़ा सर। कितनी? 6 लाख रुपए। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम्हारे पिता मजदूरी का काम किया करते थे। हाँ। फिर इतना पैसा कहाँ से आया? उधार लिया ना सर। किसकी गारंटी पर? मेरी शादी होगी इस गारंटी पर सर। ए, शादी से कर्जे का क्या लेना देना? सर ससुराल वाले दहेज देते हैं ना सर। ओ, अच्छा ये बता अगर कोई सरफिरा तेरी बीवी को उठा कर ले जाएगा तो क्या करेगा? दूसरी शादी कर लूंगा सर। सर वो नहीं तो दूसरी सही, वो कहते हैं ना तू नहीं तो तेरी बहन, दूसरी वाली को अपने इशारे पर नचाने जैसा बनाऊंगा, नहीं मानी तो उसके इशारे पर मैं नाचता रहूंगा सर। सर ऊपर वाले ने जिंदगी दिया है तो खाने के लिए चारा भी तो देगा ना सर। छोड़िए ना सर, बाकी सब चलता रहता है। तो फिर चलो एक छोटा सा केस है, निपटा कराते हैं। आई एम एवर रेडी सर। बैंगलोर कॉलेज के लड़कियां जब कॉलेज से छूटती हैं तो तुम सब लोग टी स्टॉल के पास खड़े होकर आवारगी करते हो, वो अपनी इज्जत बचाने की कोशिश करती हैं तो जबरदस्ती करते हो। उसके बाद जब पुलिस वाले तुम्हें ढूंढते ढूंढते आते हैं तो तुम जान बचाकर भाग जाते हो, किसी बिल्डिंग के ऊपर से जंप करने की कोशिश करते हो और हम लोग तुम्हें शूट कर देते हैं, तब तुम लोग माँ कहकर नीचे गिरते हो। अरे ये सब पुराना खेल है, वही चोर और पुलिस वाला। बोर हो गया हूं मैं इस खेल से, चलो हम लोग एक काम करते हैं, इस गेम को थोड़ा चेंज करते हैं। बाले। यस सर, रेडी सर। तुम लोगों के पास 1 मिनट का टाइम है, उसके अंदर तुम लोग ये हथकड़ी पहन के चुपचाप गाड़ी में बैठोगे तो सेफली लॉकअप पहुंच जाओगे, तुम्हारे बाल बच्चे आकर तुम्हें देखकर खाना देकर खुशी खुशी घर जाएंगे, वरना तुम लोगों की यहीं पर समाधि बना दूंगा। सोच लो क्या करना है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ये क्या सर, टकोरी लोगों ने आपकी बात मान ली? सिर्फ यही नहीं हाँ। अच्छे अच्छों का भी यही हाल होता है। मान गए सर। कुछ लोग तो मेरा नाम सुनते ही घबराते हैं। यही है इस वर्दी का पावर।